Hey guys, how are you? I am Amisa Kesri and today I am very excited as I am going to share the recipe of making veg roll with you all. First of all, wish you all a very happy new year. Please try this recipe at your home and comment in the comment section that did you like it or not. A stuffing ke liye humne liye hain chopped onions, chopped tomatoes and chopped Shimla mirch. और ये है 2-3 कद्दूकस किए हुए पोटैटोज। मेरे पास ऑलरेडी कुछ फ्राइड मटर एंड गोभी थे, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये ग्राइंड किए हुए मसाले हैं। हमने मैदे को थोड़ा सा तेल एंड नमक डाल के गूंद लिया है। स्टफिंग को फ्राई करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये सॉस एंड विनेगर। तो सबसे पहले हमने पैन में मसालों को सॉस एंड विनेगर डालकर फ्राई कर लिया है। इन फ्राइड मसालों को हमने अलग कर लिया है। अब हम एक पैन में सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। टमाटर और नमक को हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। हमने गूदे हुए मैदे की लोइयां बना ली हैं। अब हम इसे पूरी के आकार में बेलेंगे और इसमें अपनी स्टफिंग भरकर उसे रैप कर देंगे। अब हम इन्हें धीमी आंच पर तेल में फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये रेड ना हो जाए। गाइज, मैंने सेम स्टफिंग एंड मैदे को 2-3 तरीके से पकाया है। एज यू कैन सी इट इज रेडी एंड बिलीव मी इट इज वेरी यम्मी, इट्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, तैयार है हमारे टेस्टी टेस्टी वेज रैप, वेज रोल, वेज चटनी एंड सब्जी। हे गाइस, ये है मेरी मॉम। तो ये आपको बताएंगी कि ये रेसिपी खाने में कैसे लगी। इन्होंने इसे टेस्ट किया। मम्मी, आपको मेरे हाथों के वेज रोल्स कैसे लगे? बहुत ही स्वादिष्ट था। एक्चुअली क्या होता है ना, लोग सब्जियों को काफी कम भूनते हैं, तो मैंने उसे अच्छे से फ्राई किया है। कम भूनने से वो दिखने में तो अच्छा लगता है पर टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो मैंने उसे अच्छे से भूना है ताकि उसमें फ्लेवर अच्छा आए। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो आप ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यम्मी, इट्स वेरी यम्मी, इट्स वेरी यम्मी, या।